हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं फिर से छोटा हार्वेस्टिंग का वीडियो आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और ये देखिए, ये मेरा पराजिता ट्रिमिंग कर दिया था तो फिलहाल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है इस पर। देखिए वाइट और ब्लू में है। यहाँ पर मेरा चिल्ली प्लांट है और बहुत सारा फ्रूटिंग हुआ है चिल्ली। ये देखिए, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, छोटा टोमेटो जैसा आता है, एडेबल है। इसका साग और फ्रूट दोनों ही खा सकते हैं। यहाँ मेरा थोड़ा बहुत ग्रीन बाजी है, ग्रीन अमरन, तो इसको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। इस बार मेरे पास बहुत सारा ग्रीन बाजी मिला, तो यहाँ पे जितना भी ग्रीन बाजी है सब निकाल दूँगा। देखिए इसका साग भी खा सकते हैं, छोटा छोटा टोमेटो जैसा फ्रूटिंग होता है, इसमें खट्टा मीठा रहता है। तो यहाँ रख देता हूँ इन लोग को। यहाँ पे भी थोड़ा मेरा है साग। इतना सुंदर लगता है और फ्रेश कहीं नहीं मिलेगा अपना गार्डन के अलावा, इतना फ्रेश तो मिलेगा नहीं। यहाँ छोटा सा मालाबार पीनस खुद ही आ गया। यहाँ देखिए, ये मैं ब्रोकली पहले उठा लिया, एक ही हेड बना इस पर, गर्मी चढ़ गया तो नहीं बन पाया। लेकिन इसका जो साइड का साग जो है ये एडेबल है। ये जब बनता है तो थोड़ा मस्टर्ड ग्रीन का जैसा स्मेल आता है, बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी तो है ही। देखिए कितना सुंदर और बहुत सॉफ्ट है, ये खाने में भी टेस्टी होता है। ये देखिए डिफरेंट वैरायटी का ये मेरा ग्रीन भाजी और ये वाला नॉर्मल डिफरेंट है तो। और ये जो है खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, सॉफ्ट रहता है। और ये नॉर्मल वाला तो मेरे पास इस बार बहुत अच्छे से ग्रो हुआ, बहुत अच्छे से, सबसे ज़्यादा तो यही ग्रो हुआ है। बड़ा प्लांट है मेरे पास, उसी से सीड्स ले लेके मैं छिड़क देता हूँ तो आ जाता है। आप लोग के पास भी छोटा जगह है तो इस तरह से कुछ ना कुछ ग्रो कर सकता है, बहुत जॉयफुल रहता है और बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर, कितना फ्रेश, अपने खुद का हाथ से उगाया हुआ। यहाँ देखिए, ये सब मालाबार पीनस खुद ही आया। यहाँ पे मेरा सरसों का साग ये भी खुद ही आ गया, कभी सीट पड़ा था होगा, इनको भी निकाल लिया मैंने। देखिए कितना सुंदर। और ये भी वही है ग्रीन भाजी, ग्रीन अमरन। मैं ऐसा जड़ से ही निकाल देता हूँ और दो तीन दिन बाद में भी दूसरा सीड्स जो है वो लगा देता हूँ। और जल्दी भी ग्रो होता है, जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाता है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, नरम। और यहाँ देखिए ये लेडी बग ब्लैक कलर का, ये वॉक करता है तो बहुत सुंदर लगता है। देखिए आप, देखिए कितना सुंदर लगता है। ये सब भी निकाल लिए, भी देखिए मालाबार खुद ही आया। मालाबार ग्रीन भाजी और करेला ये सब खुद ही आया, लास्ट ईयर का सीड था उसी से गिर। देखिए कितना फ्रेश, इतना फ्रेश तो कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए रेड मालाबार पीनट, बहुत सारा सीड्स होता है, वही सीड छुप जाता है, गिर जाता है, फिर अपने आप ग्रो हो जाता है
और जो अपने आप ग्रो होता है वो इतना अच्छे से बढ़ता है, उसको कुछ केयर ही नहीं लेना पड़ता है। देखिए ये लीफ इतना बड़ा बड़ा, मेरे पास ग्रीन और रेड दोनों वेराइटी का ये मालाबार पीनट है। एक ही बार मैं लगाया था, उसके बाद खुद ही हो रहा है। करेला गर्मी में उतना अच्छा नहीं होता, करेला मतलब होता है लेकिन पूरा कीड़ा लग जाता है। देखिए मालाबार पीनट, ये देखिए कद्दू, कद्दू का साग एडेबल है। यहाँ देखिए साइड से जो है वो निकाल देता हूँ, मिक्स करके खा सकते हैं। और ये वाला देखिए बाजार में नहीं मिलता है ये सब मार्केट में बेंगलोर में तो। और ये सब्जी का जो सीड्स था मैं लगा दिया तो ग्रो हो गया, देखते हैं फ्रूटिंग होगा नहीं होगा। कितना सारा देखिए वेजिटेबल अपना बालकनी गार्डन से, टेरिस गार्डन से भी नहीं है, बालकनी गार्डन से इतना सारा वेजिटेबल। और करना है देखिए ये ग्रीन कलर का मालाबार पीनट, हुई साग जो बोलते हैं, देखिए इतना क्रंची है, इतना फ्रेश, बहुत अच्छा लगता है ये सब हार्वेस्टिंग करने में, और खाने में तो बात ही अलग है। और बहुत हद तक अपना स्ट्रेस है ना वो भी कम हो जाता है, स्ट्रेस भी हो जाता है गार्डनिंग करने से। इधर से निकाल देता हूँ, फिर न्यू ब्रांच आ जाएगा साइड। जैसा आप ऊपर से ट्रिमिंग कर देते हो तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट देने से जल्दी से फिर रीग्रोथ हो जाएगा, साइड से ब्रांचेस निकलने लगे। देखिए कितना सारा मिला मेरे को, कभी कभी मुझे बिलीव नहीं होता है ये मेरा बालकनी गार्डन है करके। देखिए यहाँ पे भी एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ मिलता है मेरा बालकनी से। मैं वेजिटेबल बाहर से स्पेशली लीफी वेजिटेबल में खरीदता ही नहीं हूँ, और दूसरा जो कैरोट वगैरह भिंडी वगैरह में उतना नहीं लगाता, क्योंकि मैं बालकनी पे गार्डनिंग करता हूँ तो मैं लीफी वेजिटेबल ही ज़्यादा लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सब जितना भी मेरा मालाबार पीनट देख रहा है ना, ये सब खुद ही ग्रो हुआ है लास्ट ईयर का सीड्स गिर के लास्ट ईयर। देखिए इतना बड़ा बड़ा, मेरा हाथ से भी बड़ा ये पत्ता है इनका। और ये सब्जी बना के भी खा सकते हैं, भाजी बना के खा सकता है, और दाल में खिचड़ी में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, और सलाद भी बना के खा सकता है मालाबार पीनट। देखिए इतना सुंदर, पूरा मेरा ट्रे भर गया। देखिए मालाबार का सीड, मालाबार पीनट का सीड, इसका भी सब्जी बनता है। यहाँ देखिए ये मेरा बड़ी लीफ है, इनको भी आज मैं हार्वेस्ट करता हूँ। वैसे तो मैं जब चाहिए तब हार्वेस्ट करता हूँ, तो आज मैं बना रहा हूँ सांभर, इसलिए मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ, साउथ इंडियन सांभर बना रहा हूँ। इतना फ्रेश, जब चाहिए निकालो। तो ये है मेरा आज का हार्वेस्टिंग, आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं इसी तरह का वीडियो लेके आते रहता हूँ, हार्वेस्टिंग गार्डनिंग और कुकिंग का। आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।